सारे समाया, जितना भी यहाँ पे सामान है इसका सवाब जितना है बराबर है, उनके बराबर है, क्योंकि अंधविश्वासों का इरशाद है, इंसान के जो रिस्क है वो दुनिया की सबसे बेहतरीन कमाई है। लेबर इंस्पेक्टर हैं, उनसे दरख्वास्त करती हूँ कि वो स्टेज पे आए और मुख्तसर इंटरनेशनल लेबर डे और लेबर डे के मौके पर आज हमारे जिले बारामूला में इसी कैंप का ये इनेकाद मुनक्कद किया गया है। इस सिलसिले में आपके सामने में कुछ लेबर लॉज की मुख्तसरन जानकारी। बैठ के सोचों की कश्ती में जाता हूँ हर एक बस्ती में, बैठ के सोचों की कश्ती में जाता हूँ हर एक बस्ती में, मधुर मधुर बेखौफ हवाएं बरता हूँ अपनी मस्ती में। मैं अब असिस्टेंट लेबर कमिश्नर वही दावत साहब को दावत देती हूँ कि वो स्टेज पे आए और अपने ख्याल का इजहार करें। वो इनके लिए मुश्किल होता है, उसके लिए मैन पावर का होना ज़रूरी है। तो मैं इंशाल्लाह लेबर अफसर के या अपने असिस्टेंट लेबर साहब अफिसर के साथ बैठ कर एक हम स्ट्रेटजी चार्ट आउट करेंगे। जहाँ जहाँ रूरल डेवलपमेंट के ब्लॉक्स हैं, पंचायतें हैं, इंशाल्लाह हम ये प्रोग्राम वहाँ तक भी पहुँचाएँगे। और मगर कहान मसल बिल्कुल अलग से तुम हल तुम्हें मुख्य जानकारी खातर खसूसी तवज जरूरत ये दौ मन मे समझ यी कि सारी मजदूर बुस डिप्टी कमिश्नर मगर बुस मजदूर अगर एंगल वो मे मेहनत मशक्त कर मगर पे तो अक फर्क पाबंद मजदूर अगर बहु यहाँ पे मर्जी वो तो गा चाय जाए पे मर्जी छुट्टी कर तो हम कर खसूसियत तो ये पन्नी मर्जी मुताबिक पन्नी मर्जी मिले गो तम अंदर अगर वो तुम सान बेहतर जैसे इन्होंने कहा वही साहब ने कि मगर बह हेकस बस मिले मे सारी डी सी साहब डिस्ट्रिक मिले मगर मे जरूर पता कि बहु खम मे गमेंटन सिंपली कोशिश और यो अच्छा मज ये बेदारी गि बस डी सी खम मजूर मे तो तुम फर्क मे कैन जबतन तहत कैन कैदन तहत कैसे लिमिटेशन तहत पे पुन दो गुजार पुन कर पी मर्जी मुताबिक कर मगर तुज मर्जी से कुछ वक्त मजबूरी बन यह सारी मजबूरी ये खुद जन वक्त वक्त आओ वन कि यह मजबूरी अकिस मजदूर यह गम सजबूरी सो मजबूरी बन यहाँ गन अम सकूक ग पूर् इस्लाम खास तौर से कि तह नश अगर कह जन पुस तह नश आव अमिस करो इज्जत अगर तुम अमिस इज्जत करो तुम खुदा रज तुदा मसूस अगर तथा चीज खिलाफ कर बुनियादी प्रथ मजहबस मे चाहे इस्लाम हिंदुजम सिखजम हर मजहब में इसकी तकीन की गई है कि इज्जत करो और जब हम मजदूर की इज्जत करते हैं तमिस तमी सत थकावट दूर कि अहन मे तो बूज कराम तो मैं इनको गुजारिश करूँगा और उनको मुबारबाद देता हूँ अगर इन्होंने अपने दफ्तर में ये सिस्टम बनाया और जहाँ तक डिमांड की गई कि मजदूरों के खतर कुछ जाए शर जी। आज हमने यहाँ बारामूला डिस्ट्रिक्ट में वर्ल्ड लेबर डे मनाया जो इंटरनेशनल लेबर डे है। इसका मनाने का यही पर्पज़ था कि हम जो मज़दूर भाई हैं हमारे जो हमारे मज़दूर जो है सोसाइटी का अहम पार्ट हैं उनको अपने राइट्स से अवेयर किया जाए, उनके जो हकूक हैं कानून में दिए गए हैं उनके बारे में बताया जाए और जितनी भी स्कीम्स हैं जो गवर्नमेंट रन कर रही है जैसे किसी का डेथ असिस्टेंस है हम 2,05,000 देते हैं उनके बच्चों के लिए पढ़ने के लिए पैसा देते हैं या उसमें अगर वो बीमार हो जाएं क्रोनिक इलनेस है कोई सिकनेस है उसमें हम देते हैं। हमारा मेन पर्पज़ यही था कि आज जितने भी यूनियंस हैं इनकी मजदूर भाई हैं उनको ये बताया जाए कि हमारा कोई कहीं और ऑफिस नहीं है, हमारा ट्रांसपेरेंट फंक्शनिंग है, आप यहाँ आएँ हमसे बेनिफिट्स का फ़ायदा लें ताकि हमारा जो पर्पज़ है जिससे जिस पर्पज़ के लिए हम सैलरी लेते हैं जिस पर्पज़ के लिए हमने गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया है और हम पब्लिक सर्वेंट्स हैं वो पर्पज़ जो है वो फुलफ़िल हो पाए।
और हमारे डिप्टी कमिश्नर साहब भी यहाँ आए। आपको पता है कि उनका प्रो पब्लिक अप्रोच है, वो प्रोएक्टिव हैं इस मामले में कि जो भी गरीब लोगों के मसले हैं वो हल होने चाहिए, प्रायोरिटी पे हल होने चाहिए, टाइम बाउंड हल होने चाहिए, और जो भी है इनका डिस्पोज आप हो जो प्रॉब्लम्स का वो टाइमली हो जाए। ठीक है, जो भी केसेस हैं 20,000 से तक उनकी पावर हमारे पास है यहाँ असिस्टेंट लेबर कमिश्नर के ऑफिस में, 20,000 तक वो ग्रांट कर सकते हैं। जो भी 20,000 के अबव जो है अमाउंट है वो बोर्ड से, जो बोर्ड ऑफ कंस्ट्रक्शन वर्कर है जो 6 महीने दरबार के साथ जम्मू में बैठते हैं और 6 महीने श्रीनगर में बैठते हैं, हम वो जो केसेस हैं वो वहाँ रहते हैं जो भी असिस्टेंस पेंडिंग हो जाता है। लेकिन अब वहाँ हमारे सेक्रेटरी साहब हैं, एडवाइज़र साहब हैं खुर्शीद गनई साहब, उन्होंने प्रोएक्टिवली कहा गया है, वहाँ बोर्ड में भी सबको बोला गया है कि आप जितने भी केसेज हैं खास करके क्रोनिक केस और डेथ और इलनेस के केस हैं वो आप प्रायोरिटी पे डिस्पोज ऑफ करो। और हमने भी यहाँ ये टाइम बाउंड टाइम लिमिट रखी है कि 15 डेज के अंडर वो जो केस है जो हमारे इख्तियार से बाहर है 20,000 से ऊपर है वो 15 दिन के अंदर हम उसको वेरीफाई करके हम बोर्ड में भेजेंगे, ताकि जो भी बेचारा मुसीबत में है परेशानी में है उसको वो पैसा टाइमली मिल सके और वो अपना टाइमली जो उसका जिस पर्पज़ के लिए उसने अप्लाई किया है वो उसको ले सके।